सावित्री मंत्र मणि इस श्रृंखला में हम लोग आज दूसरा दूसरी मणि <laughs> सावित्री की बुक वन कैंटो टू की कुछ पंक्तियाँ हैं इस कैंटो का नाम है द ईशू बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ईशू क्या है अक्सर लोग पूछते हैं ना इसको अगर हिंदी में कहेंगे समस्या क्या है तो अक्सर ये पूछते हैं ना आपकी समस्या क्या है तो सब अपनी अपनी समस्या का अपने अपने ढंग से वर्णन करते हैं परंतु अगर इसको गहराई से देखें उच्चतम ऊंचाई से देखें ईश्वर की दृष्टि से देखें तो हमारी समस्या क्या है हमारी समस्या है कि वी आर ए लिमिटलेस सोल इन ए लिमिटेड बॉडी और चूंकि हम लिमिटलेस सोल है हमारे अंदर जो एस्पिरेशन है वो विश्व विराट है वामन की तरह वी वी नॉट बी सेटिस्फाइड इन कंटेंट विद द स्मॉल मनुष्य की पहचान इसी से है कि वो सीमित से बहुत दिनों तक संतुष्ट नहीं रह सकता है और यदि वो सीमित से संतुष्ट है यहाँ सीमित से धन की बात नहीं हो रही है सीमित विचारधारा से सीमित समझ से सीमित भावों से संकुचित जीवन से यदि वो संतुष्ट है तो वो फिर अभी मनुष्यत्व में उसने प्रवेश नहीं किया अब सीमित को असीम की जो चाह है अब ये और बात है कि ये दो रूट लेती है एक हॉरिजॉन्टल, जैसे अलेक्जेंडर जैसे मंगल मिशन जैसे हम बाहरी रूप में एक्सपैंड खूब धन हो खूब संपत्ति हो खूब पावर हो बाहरी रूप से और यही चीज जो चाह है ये आंतरिक रूट लेती है जहाँ सीमित के अंदर वो जो छोटा सा बीज है जिसमें वटवृक्ष बनने की संभावना है वो फैलता हुआ पूरे विश्व में आच्छादित हो जाता है तो ये मनुष्य के अंदर ये इनबिल्ट है और ये किस तरह से हुआ है अब इसको इसकी जो दूसरा दृष्टिकोण है कि वो सीमित कैसे हो गया सीमित होने के लिए उसके खांचे बने पार्थिव प्रकृति पार्थिव प्रकृति में जब वो जो बीज है भगवान का पार्थिव प्रकृति में गया तो उसकी अवस्था कुछ इस तरह की है कि बीज की नियति क्या है बीज की नियति ऊपर जाना बीच की नीयति ऊपर जाना लेकिन उसकी अवस्था क्या है धरती का बोझ यह हम सब की समस्या है कि नियति हमारी ऊपर जाने, उसको कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि वही नियति है आप कितना भी प्रयास करो वो समय लग सकता है ज्यादा लग सकता है कम लग सकता है बट यू नॉट स्टॉप इट और वो सारी ग्रेविटी को चीर करके डिफाई करके गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो उसको नीचे खींचती है उसको डिफाई करके लोग अक्सर पूछते हैं मेरे किल तो मैं यही बोलता हूँ कि एक मेरा किल तो ये सब लोग रोज देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल को डिफाई करता हुआ पेड़ पौधा ऊपर की ओर जाता है और कैसे जाता है ये देखो सूर्य की किरणों से अट्रैक्ट होके शुरू में वो देखता भी नहीं है लेकिन ऊष्मा महसूस करता है अपनी भूमि के अंदर उससे खींचा 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 एक अदृश्य डोर उसको सूर्य से बांधे हुए है दृश्य डोर तो उसको धरती से बांधे हुए हैं वो है जड़ें जड़ें उसकी धरती के अंदर दिखती हैं जड़ें लेकिन वह डोर जो उसको खींच रही है ऊपर वो अदृश्य है वो है सूर्य की किरणें और वो उसको खींच रही हैं खींच रही हैं खींच रही, है, रही है उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तक ले जाएंगी तो ये हमारी समस्या है कि वी आर ए डबल बर्थ एक और हमारे अंदर जड़ तत्व से बना ये शरीर है इस शरीर के अंदर मन प्राण इत्यादि ये जो लेयर्स हैं हमारे जो इवोल्यूशन के द्वारा आए हैं कहने का अर्थ है हमारे अंदर पत्थर भी है रॉक भी है और पशु भी है पक्षी भी है ये सब हमारे अंदर है सांप बिच्छू भी हैं वेदर वी लाइक इट टू नॉट क्योंकि ये सारी इवोल्यूशनरी लेयर्स हैं लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इन सब के पार वो जैसे बीज सड़ेगा गलेगा लेकिन अंत में वो अपनी नियति को प्राप्त करेगा जो ऊपर की ओर खींच रही है तो अब ये जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है हमारी जिसमें ये ऊपर की ओर खिंचना और उसके कारण एक विकास होना इसकी दो स्टेप्स होती हैं स्टेप से भी ज़्यादा दो रिद्म्स होती हैं एक जो धीरे 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 कालखंड में चलते चलते वो पहुँच जाता है एक मोड़ पे और अचानक कहता है कुछ दिख रहा है चलो ये एक स्लो प्रोसेस है और अधिकांश यही होता है कई जन्मों से चलने वाली यात्रा और कभी कभी जब हमारी सोल भी हेस्ट में होती है और भगवान भी कहते हैं अब आजा बच्चे हो गया समय तो ये सारे इवोल्यूशनरी लेयर जो हैं जिन्होंने कवर किया उसको चीर देते विदीन कर देते हैं ठीक वैसे जैसे नरसिंह अवतार ने अपने वो सारे मेटीरियल एनवेलप को चीर के वो प्रकट होते हैं और जब वो ऐसे प्रकट होते हैं तो हरण्य भयभीत हो जाता है और प्रहलाद कहते हैं जय 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 यही डिफरेंस होता है तो उस उसी उसी भाव का उसी अवस्था का वर्णन है बड़ा सुंदर कि वही घड़ी जो महाअंधकार की घड़ी होती है वही घड़ी प्रकाश की भी घड़ी होती है इसी को हम लोग द्रौपदी के चीरहरण में भी देखते हैं कि द्रौपदी का हरण अगर देखा जाए पूरी महाभारत में तो इससे अधिक भयानक दुखांत कोई घटना नहीं है नॉट इवन अभिमन्यु बथ अभिमन्यु एक वेलियंट वॉरियर की तरह लड़ा और चाहे छल कपट से मरा हो जो भी हो इवन युधिष्ठिर का हार जाना सब ये सब लेकिन एक 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 नारी का इतना ही इतना बुरा अपमान ऐसा वेरी फ्रैंकली अगर आप पूरे इतिहास को इवन रावण वाज डिसेंट सीता का हरण करता है लेकिन सीता को ऐसे अपमानित नहीं करता है तो उसने सब सीमाएँ तोड़ दी थीं उस समय और वही घड़ी जो सबसे अधिक कठिन घड़ी है द्रौपदी की वही घड़ी द्रौपदी के लिए एक रेवलेशन की घड़ी है और रेवलेशन की घड़ी क्या है उसी समय एक प्रकार से वो ये उनको स्पष्ट हो जाता है हर मिशन और वो कैसे उस समय वो देखती हैं कि मेरे पांचों पति जो इतने बलवान हैं चाहे तो वो अकेले एक एक में सामर्थ्य अकेले कौरव सेना को टू टेक ऑन द आर्मी लेकिन वो सिर झुकाए बैठे हैं अपने ही राइटियसनेस सात्विक अहंकार के बोझ तले वहीं पर भीष्म जिनके सामने संसार की सेना नहीं टिक सकती द्रोणाचार्य जो इन सबके गुरु हैं ये सब लज्जा से अपना सिर झुकाए बैठे हैं कर्ण जिसके बारे में लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो अपमानित कर रहा है लज्जित कर रहा है और इस अवस्था में बड़ा सुंदर वो वर्णन है कि जब द्रौपदी देखती कि सब तरफ से मैं हार चुकी हूँ तो उस समय वो श्री कृष्ण का आवाहन करती हैं उस दिन उस क्षण कौरवों की नियति सील हो गई थी उसके बाद वो कुछ करते नहीं करते प्राश्चित करते या ना करते ये रेलेवेंट ही नहीं था देयर डिस्ट्रक्शन वॉज सील्ड एंड साइंड बाय द डिवाइन ऑन दैट वेरी मोमेंट तो अब हम अपने जीवन में जब कठिन घड़ी आती इनको दो प्रकार से देख सकते हैं एक प्रकार है महाअंधकार है और हम विचलित हो सकते हैं छटपटा सकते हैं भयभीत हो सकते हैं और दूसरा कि यही वो समय है जब कोई नहीं मेरे काम आ रहा कोई साथ में नहीं है तो हम ईश्वर का आवाहन कर सकते हैं आर्थ भाव से जो द्रौपदी करती है और जब हम ऐसा करते हैं तो लीप तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं हमें लीप लेने के लिए इसको सावित्री में अन्यत्र इसको कहा गया है हु नोज बाई वाट नेसेसिटी और अंधकार की वेला को कहते हैं वो कि टिकिंग ए टनल थ्रू एमरजेंसी आपको उधर पहुंचना है लंबा रास्ता कौन जाए डिगिंग ए टनल अंधकार के उससे आप छलांग लेते हो तो उसका वर्णन हम लोग सावित्री में पढ़ेंगे पेज 11 तो इशू में ये सारी बातों को कि हमारी असल समस्या क्या है एक और पार्थिव प्रकृति ने हमको जकड़ा हुआ है जैसे हम इसमें जन्म लेते हैं पार्थिव प्रकृति ये हमारा स्टैम्प्ड हो जाते हैं कि अब हम इस संसार को बिलोंग करते हैं तो संसार के सारे नियम कानून हम पर लागू होंगे जब आप एक नई नही, नई कंट्री में जाते हैं ना तो आपको स्टैम्प तब पता चलता है कि भारतवर्ष में कितना अच्छा है अरे आपके स्कूटर ने एक रेड लाइन क्रॉस कर ली रोक लिया किसी ने आप कहोगे भैया मुन्ना अरे यार चाचा जी ले लो आप पचास सौ पचास में सेटल कर दो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है तब आपको ये नहीं लगता कि इसमें आइडियलिज्म कहते हैं अरे इस बात तो समझ रहा है ये हमारी मनुष्य की तरह ट्रीट कर रहा है भूल हो गई तू भी अपने घर में जा चॉकलेट बांट दे और मैं भी, सो यू फील दैट सेंस ऑफ ह्यूमननेस कनेक्टेड बट जैसे ही आप एंट्री करते हो फॉरेन कंट्री में और उनका वीज़ा स्टैम्प हो गया आपका अब आपका ये सब भैया मुन्ना नहीं चलेगा <laughs> अगर आप गलती से पकड़े गए और पकड़े किसी चीज पे जा सकते हो जिसकी आपको कल्पना नहीं है कोई बच्चे को देख के आपने हंस दिया अरे ओले ले ले कितना क्यूट लग रहा है कुछ पता नहीं कि उसकी मम्मी पुलिस बुला लेगी और उसके बाद आप कहते रहो अरे हमारे यहाँ तो ये यह होता है बच्चे कितने की है कहेंगे बच्चा कितने की उठे आपको हम बाद में बताएंगे यहाँ का नियम कानून अलग है तो पार्थिव जगत में आते ही हम यहाँ के नियम कानून से इट्स नॉट जस्ट अबाउट कार्मिक लॉ नियम कानून के अधीन हो जाते हैं आप चाहें या ना चाहें अंदर में आप बहुत सुंदर भाव ऊपर तक उठ रहे हैं लेकिन यहां के नियम कानून प्रारंभ हो जाते हैं अब ये नियम कानून के अंतर्गत रहते हुए हम एक लंबी यात्रा करते हैं तो कितनी सारी हमारी डार्कनेस से जुड़ी हुई प्रवृत्तियां पशु रूप में निम्न रूपों में वो सब हमारे साथ चिपकी हुई हैं। तो कैसे छूटेंगी? तो यहां उसका वर्णन है एन एब्सल्यूट सुपर डार्कनेस फॉल्स ऑन मैन समाइम्स वेन ही ड्रॉज नीयर टू गॉड कितनी सुंदर पंक्ति है जब भगवान बड़े निकट होते हैं जब सूर्य बहुत करीब होता है उगने के तो क्या करता है सूर्य के आने की तैयारी देखो कैसी होती है शुरू में हमारे घर की आँच पहले चूल्हा होता था अब तो गैस कि भाई अब आँच आपने चूल्हा बंद कर दिया अब कुछ बन नहीं सकता वो अग्नि बंद हो गई उसके बाद आपके जो लैंप उम्प हैं लाइट हैं ये बंद होनी आप देखो इट्स ए रियल टाइम लेफ्ट होटो इवन जहाँ पे सारी रात लोग काम करते हैं कुछ एक लाइट बट यू विल सी ग्रेजुअली वो लाइट्स बंद हो रही हैं तारे हैं चंद्रमा हैं धीरे धीरे वे भी डूबने लगते हैं और जब पूरा ऐसे लगता है कि अब अंधकार का साम्राज्य है तब सूर्य सम्राट कहते हैं ओके okay, मेरे उगने का समय हो गया है एन एब्सोल्यूट सुपर नेचुरल डार्कनेस फॉल्स ऑन मैन समाइम्स वेन ही ड्रॉज ऑन मैन समटाइम्स वेन ही ड्रॉज नियर टू गॉड अगर हम केवल इतना स्मरण रखें तो जीवन इतना सुंदर हो जाए जब बहुत भयंकर डार्कनेस हो तो हमको क्या कहना चाहिए अरे अब हटा दो ये मुख हटा छिपे हो तो हो तुम यहीं कहीं पास में टेक ऑफ यूर मास्क ऑफ टेरर एंड डार्कनेस शो मी योर ब्यूटिफुल फॉर्म एंड फेस एन आवर अराइव्स वेन फेल ऑल नेचरस मीन्स जितने भी आपने वो पंडित के साथ टाई अप किया था इस ग्रह की शांति उस ग्रह की शांति वो कहता है भाई इस ग्रह की शांति मैं नहीं कर सकता हूँ पुलिस वाले से आपका टाई अप था रोज उनके साथ उठना बैठना था वो भी कह रहा है कि भाई ये तो हमारे परे की चीज़ है वकील को बुलाया उसने कहा ये तो उलझ जाएगा आपका मामला सालों चलेगा डॉक्टर को कहता है इसकी मेरे पास इलाज नहीं है मेरे पास बुढ़ापे का और मृत्यु का इलाज नहीं है लेकिन लोग फिर भी जाते हैं डॉक्टर के पास कि वो मृत्यु से बचा लेगा कई बार मैं कहता हूँ कि इतना फेत अगर वो भगवान में इन्वेस्ट करते अस्सी पचासी साल की उम्र में डॉक्टर आप और पिक्चरों में भी ये चीज़ बहुत दिखाई गई है डॉक्टर के पास गया और वो कुछ कर देगा असंभव तो ये इतना फेथ अगर हम भगवान में रखते तो कम से कम हम जाते तो बड़े आनंद से जाते कि वो आए हैं लेने अभी तो ऐसा लगता है कि कोरोना वाले लेने आए हैं कौन लेने आया है तो इस भाव से our arrives when फेल ऑल नेचर्स मीन्स आपके माता पिता बच्चे बंधु सखा कोई साथ में नहीं है कोई नहीं है आप अकेले हो forced आउट फ्रॉम द प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंस ये सब क्या है ये हमारी प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंस इसका टिपिकल साइन भगवद गीता का प्रारंभ है दुर्योधन सेफ फील करता है अपने आप को क्यों उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहे हैं कहता है भीष्म द्रोण भूरिश्रवा कृपाचार्य अस्वत्थामा कर्ण और सैम मैं और मेरे सौ भाई प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंस तो उनको लगता है जयद्रथ प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंस वो भी शिव के वरदान से बचा हुआ कि मुझ मेरा कुछ नहीं अहित तो नहीं हो सकता हम बड़े उसमें अपने कंफर्ट जोन में बड़े खुश होते हैं इसको कहते हैं प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंस कि भाई हमारा हमारा बैंक बैलेंस बहुत हो गया है सब हमारा बच्चा भी सेटल हो गया है तो प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंस लेकिन एक समय आता है जब भगवान ये सब कुछ एक झटके में तार तार कर देते हैं जब धीरे धीरे करते हैं तो लंबी प्रोसेस है कभी कभी आते हैं कहते हैं चल एक साथ ही तेरे से टैक्स ले लेता हूँ मैं तो तब क्या होता है एंड फ्लंग बैक ऑन हिज नेकेड प्राइमल नीड हमारी नेकेड प्राइमल नीड क्या है हमारी सोल का इवोल्यूशन वही एक चीज है जो हो रही है ही एट लेंथ मस्ट कास्ट फ्रॉम हिम हिज सर्फेस सोल एंड बी दाप एंटिटी विद इन सर्फेस सोल इज एक फॉल्स सेंस ऑफ आई तो वो कैसे बनती है उसको डिज़ायर सोल भी कहा है शेयर ने हमारी ईगो के सेंटर में सेंटर में रख के हम कुछ डिज़ायर्स को अपना सेल्फ बना लेते हैं कुछ हमारी ओपिनियंस होती हैं उसमें कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं और कुछ हमारे व्यू पॉइंट्स ट्रेडिशन कस्टम ये हमारी एक एंटिटी आइडेंटिटी हो जाती है सरफेस सोल जब हम लोग अक्सर कहते हैं मैं तो मैं उसको रेफ़र करता है हमारी सरफेस पर्सनैलिटी को और हम जीवन में उसी को सुदृढ़ करते रहते हैं फिर एक टाइम आता है जब अचानक वो सारी सरफेस सोल एक झटके में भगवान चीरहरण वो भगवान का किया हुआ वो वो है जो गोप गोपियाओं के साथ गोपियों के साथ होता है सडनली वो हटा देते हैं तो उस समय हमारे पास एक ही विकल्प होता है और वो विकल्प है अपने ही अंदर अनगार्वड इट इज़ ए सोल मोमेंट कितनी सुंदर बात कह रहे हैं इट इज़ नॉट ए पनिशमेंट इट इज़ नॉट अ हॉरर

हर विल मस्ट कैंसिल हर बॉडी इज डेस्टिनी तो हम सबके जीवन में एक क्षण आता है जब ये लगता है कि जीवन व्यर्थ है किसी किसी के मन में ये भी आता है कि मर जाना अच्छा है कई लोगों की एडोलेसेंस में कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है तो हाँ मर जाना चाहिए किसके प्रति अपने ईगो के प्रति मर जाना चाहिए जब ऐसा हो क्योंकि समस्या की जड़ वो है कोई और नहीं है हमारी समझ हमारी इच्छाएं हमको सब प्यार करें हम तो सबको करते हैं कोई मुझे नहीं करता यही भाव होता है ना नो बडी अंडरस्टैंड मी आई अंडरस्टैंड एवरीबडी तो उस समय हमारे ईगो सेल्फ को अगर हम हटा दें तो वही क्षण हमारे इवोल्यूशन uh, की घड़ी होती है हर विल मस्ट कैंसिल हर बॉडीज डेस्टिनी बॉडी डेस्टिनी मतलब हम शरीर धारण करते हैं तो बहुत सारी घटनाएं इवेंट सरकमस्टांसिस मात्र शरीर धारण करने के साथ होती हैं फॉर ओनली द अनबॉर्न स्पिरिट्स टाइमलेस पावर कैन लिफ्ट द योग इम्पोज बाई बर्थ इन टाइम ओनली द सेल्फ दैट बिल्ड दिस फिगर ऑफ सेल्फ कैन रेज द फिक्सड इंटर्मिनेबल लाइन दैट जॉइंट दीज चेंजिंग नेम्स दीज नंबरलेस लाइव्स these new oblivious personalities and keep still lurking in our conscious acts the trail of old forgotten thoughts and deeds disown the legacy of our buried self जो सबकॉन्शियस में हमारे वो पास्ट की जितनी पर्सनालिटी जो जो हमने जीवन जिया है इसीलिए लोग कहते हैं ना भूत क्या होता है भूत है कि नहीं है कोई-कोई से लोग प्रश्न करते हैं भूत होता है कि नहीं होता है तो वो घुमाने वाला उत्तर जो सही है होता भी है और नहीं भी होता है भूत के दो अर्थ होते हैं ना एक तो भूत आदि एलिमेंट्स जिसका वो हम लोग नॉर्मली गोस्ट एक अर्थ होता है पास्ट क्या पास्ट सच में पास्ट होता है क्या वो हमारे प्रेजेंट को किसी ना किसी रूप में इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता है बरीट सेल्फ वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठा हुआ है तो उससे हम कैसे छुटकारा पाए क्योंकि तो हमको आगे अगर बढ़ना है तो पीछे के स्टेप को उठाना पड़ेगा तो यहां उसका हिंट दे रहे हैं बर्डन सम टू टूअर वेनिस्ड फॉर्म्स एक्सेप्टेड ब्लाइंडली बाय द बॉडी एंड सोल वो खींचता है हमको कहीं ना कहीं वो अनफिनिश्ड कर्व्स ऑफ रिवोल्यूशन तो उससे केवल तभी हम छुटकारा पा सकते हैं जब हम अपने अंदर इस सोल एलिमेंट को और वास्तव में अब देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है वो है ही इसीलिए कि वो इतना कंप्रेस करता है इतना कंप्रेस करता है जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के निकट आने लगता है इसको बड़े सुंदर ढंग से श्रीराम परमंस कहते थे उन्होंने कहा और मिस्टिक्स ने भी कहा है कि कच्चा आमी पक्का आमी द अनराइप ईगो उसका समय नहीं अभी आया है कि वो अपने को अगर अनराइप ईगो भगवान की ओर मुड़ेगी तो उसका केवल अचार बनेगा राई पी गो वो तैयार है इसलिए वो स्टाइफिल फील कर रहा है अपने अंदर बहुत मतलब अंडे के अंदर वो फड़फड़ा रही है चिड़िया बाहर निकलो बाहर निकलो तो वो जब स्टेज आती है जब प्रिजन में फील करने लगता है व्यक्ति तब वो तैयार है निकलने के लिए तो जब तक व्यक्ति खुश है अपने जीवन से जैसा है बहुत अच्छे में उसको छेड़छाड़ नहीं करिए वो तस्वीर लगा के बड़ा खुश हो रहा है यही सुना के कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ता है बहुत लायक है उसको खुश रहने सुंदर सपने को <laughs> उसका जीवन अभी यहीं तक सीमित है और जब समय आएगा सीमित से असीम का तो ऐसी दृश्य बन जाएंगे कि वही बच्चा जिस पर आप बड़े नाश करते थे नखरों के साथ आप बात करने को तरस रहे हैं वो कहता है डैड आई मिन हरी यू नो मम सॉरी आई हैव अ मीटिंग कोई मीटिंग वीटिंग नहीं है पर मीटिंग दैट मीन्स गॉड्स ग्रेस इज ऑपरेटिंग सो ये यहां पे उसका वर्णन है शी मस्ट डिसरप्ट इज स्टम्बलिंग ए ब्लॉक ऑन द इमोटल्स रोड मेक अ अरेज ग्राउंड एंड शेप एन न्यू हर फीट तो केवल सोल के अंदर वो शक्ति है जो पास्ट को एनल करके आगे बढ़ सकती है नमस्ते